अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार, मेरे साथ अली भाई। आज हम देखेंगे इंडिया के टॉप 10 प्रोजेक्ट। मोदी सरकार के ये टॉप 10 प्रोजेक्ट्स हैं, हम आज इस पर रिएक्शन देने वाले हैं। ये इंडिया में क्या है, डिजिटल हो रहा है, ये इंडिया डिजिटल हो रहा है, ये क्या है डिजिटल डिजिटल, देखते हैं यार। उसके इतना बड़ा ये इंडिया है, ये टॉप 10 इसके है ना। इंडिया वाले हमसे इतना आगे जागे और ये बहुत बड़ी आबादी है हमसे भाई, 4-5 गुना हमसे आगे भाई आबादी में। मेरे ख्याल में 1 अरब 20 करोड़ है या 30 करोड़ है ये। पर ये हमसे बहुत आगे है और ये तरक्की कर रहे हैं यार। देखते हैं तरक्की, अच्छी बात है, तो छोटे मुल्क है हमारा, तो हम इनसे आगे जाना चाहिए पाकिस्तान भाई। तरक्की, इंडिया क्यों आगे जा रहा है भाई, हम आज देखते हैं ये प्रोजेक्ट्स इंडिया के। चलो, तो आज के समय में भारत बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में हो या फिर देश के रूप में उसके पावर के मामले में। हर सेक्टर में आज भारत तेजी से विकास कर रहा है और कई चीजों में तो विकसित देशों को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। आज हम इस वीडियो में भारत के 10 मेगा प्रोजेक्ट यानी कि भारत के 10 सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो 2023 तक भारत को बदल कर रख देंगे, जिनके बारे में जानने के बाद आप भी गर्व करेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये वीडियो बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है, हमारे अंत तक जरूर बने रहिए। और आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत माला प्रोजेक्ट दोस्तों, ये परियोजना देश का ऐसा रूप बदल देगी कि देश में दूर से ही विकास दिखाई देगा। इस पर 2018 से ही काम चल रहा है। ये परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए बनाई जा रही है। इस परियोजना में बंदरगाहों, सड़क और राष्ट्रीय गलियारों को बहुत ज्यादा बेहतर बनाना शामिल है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इसमें 83,677 किलोमीटर रखा गया है। बॉर्डर एरिया और रिमोट एरिया जोड़ने का काम होगा, जिससे भारत के रहने वाले साथ ही इस प्रोजेक्ट में होने वाले डेवलपमेंट से मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इस योजना के पूरे होने के बाद करीब 22 मिलियन रोजगार पैदा होने की संभावना है। बुलेट ट्रेन, भारत ने जापान के साथ समझौता करने के बाद मुंबई से अहमदाबाद के बीच जापानी तकनीक से बुलेट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की थी और सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई थी और अब इस परियोजना के 2023 तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और जहां अभी अहमदाबाद से मुंबई का सफर बस से 9 घंटे और ट्रेन से 6 घंटे का है, वहीं बुलेट ट्रेन से इस सफर को 2 घंटे 7 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट में लगभग भारत के बाकी शहरों में भी इस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। आदित्य L1 दोस्तों, इसरो बिना किसी रुकावट के पूरे समय सूरज को ऑब्जर्व करने और उसके डेटा को इकट्ठा करने के लिए आदित्य L1 नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये भारत का पहला मिशन होगा जो कि सिर्फ सूरज का अध्ययन करने के लिए होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत इस आदित्य L1 सैटेलाइट को सूरज और पृथ्वी के बीच भेजेगा। ये प्रोजेक्ट काफी मुश्किल भी है क्योंकि सूरज का अध्ययन कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सूरज के पास के जो कंडीशन है वो एक सैटेलाइट के लिए इतने अच्छे नहीं है। तो इस मिशन में अगर छोटी सी भी दिक्कत आती है तो ये मिशन पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। पर अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो ये मिशन दुनिया भर में भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट बन जाएगी और भारत के पावर का डंका पूरी दुनिया भर में बजेगा। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक हाईवे दोस्तों, अब हमारे देश में इलेक्ट्रिक हाईवे बनने वाला है, वो भी दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे, जिसकी लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर की होगी और इस एक्सप्रेस वे पर लगभग 350 किलोमीटर का काम हो चुका है। अभी हाईवे में 8 लेन बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा 4 लेन और बढ़ाए जाएंगे, 2 जाने के लिए और 2 आने के लिए, और ये चारों लेन सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ही होंगे। पूरे रूट पर 92 यानी 92 स्थानों पर इंटरवल स्पॉट डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों को चार्ज कर पाएंगे। ये देश का पहला एक्सप्रेस वे होगा जिसमें डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 लेन होगी। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि एक्सप्रेस वे का काम जनवरी 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके पूरे तैयार हो जाने से समय तो बचेगा ही, साथ ही प्रदूषण को कम करने में भी काफी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1,00,000 करोड़ की है। बता दें कि वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे बर्लिन में है, जो कि सिर्फ 109 किलोमीटर लंबा है, और अगर हमारे सरकार की योजना सफल होती है तो हमारे भारत के पास होगा दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे। इसी बात में एक लाइक तो बनता दोस्तों। कच्ची दरगाह बीरूपुर ब्रिज, ये ब्रिज आने वाले समय में बिहार में एक पहचान के रूप में उभरेगा। ये ब्रिज बनने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटर ब्रिज होगा, जो कि 9.76 किलोमीटर लंबा होगा। इस ब्रिज के बनने की शुरुआत साल 2015 में हुई थी, जिसके पूरे होने का अनुमान 2023 तक लगाया जा रहा है। ये ब्रिज पटना की कच्ची दरगाह से बीरूपुर तक जाएगा। इसके बन जाने के बाद महात्मा गांधी सेतु का लोड करीब आधा हो जाएगा। पटना से बीरूपुर जाने के लिए अभी एकमात्र महात्मा गांधी सेतु पुल ही है। ये पुल अंग्रेजों के द्वारा
द्वारा बनवाया गया था और इस समय इस पुल की हालत काफी खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ घंटों जाम लगता है। साथ ही आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी होती रहती है। बच्ची दर कहा विदुपुर ब्रिज बनाने की लागत करीब 3,115 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। मुंबई अंडर सी प्रोजेक्ट, दोस्तों ये प्रोजेक्ट काफी चौंका देने वाला है। अबू धाबी ट्रेन 2,000 किलोमीटर रेल मार्ग बनाने की योजना बना रहा है, जो हमारे देश के शहर मुंबई को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फुजायरा शहर से जोड़ेगा। और होश उड़ाने वाली बात तो यह है कि ये पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन केवल 2 घंटे में ही भारत के मुंबई शहर से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फुजायरा शहर तक पहुंच जाएगी। ये अंडर सी ट्रेन दोनों देशों के यात्रियों, पर्यटकों और श्रमिकों का ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ नर्मदा नदी से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पानी एक्सपोर्ट करेगा और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से तेल हमारे देश में इम्पोर्ट होगा। और इस प्रोजेक्ट के सफल होने से भविष्य में होने वाला इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम काफी सस्ता हो जाएगा। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, दोस्तों भारत में आज भी कई ऐसे राज्य हैं जिनको हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है, और वही कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हर साल सूखा पड़ता है। साल 1999 में उस समय के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परेशानी को देखा और इससे निपटने के लिए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। पर जब तक इस योजना पर काम हो पाता तब तक सरकार ही बदल गई, जिसके बाद इस योजना को रोक दिया गया था। अब करीब 20 साल बाद बीजेपी की सरकार में इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया। ये एक सिविल इंजीनियरिंग योजना है जिसका उद्देश्य भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के माध्यम से आपस है, जिसकी मदद से किसानों को खेती के लिए मानसून के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही बाढ़ और सूखे के समय पानी की मांग और कमी को पूरा किया जा सकेगा। इस योजना के तहत भारत की 60 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिसमें से एक गंगा नदी भी है। और इस योजना को 3 हिस्सों में बांटा गया है। रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा, इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत की कई ऐसी चीजें हैं जिनको रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें से एक भारत का इस समय का संसद भवन भी है, जिसे 1927 के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान के संसद भवन में केवल 790 सांसदों के बैठने की ही व्यवस्था है, लेकिन जो संसद भवन नया बनवाया जा रहा है 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें हम भी हो जाएंगे 88 सांसद और राज्यसभा के 384 सांसद बैठ सकेंगे। और इस संसद भवन में 4 फ्लोर्स होंगे। इसके बनने की शुरुआत सितंबर 2021 में हो गई थी और इसका फेज 2022 में बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। फरवरी या मार्च 2023 तक इसके पूरे होने की संभावना है। ये प्रोजेक्ट करीब 1.5 एकड़ में फैला हुआ है और इसको बनाने की कुल लागत 20,000 करोड़ की है। इसका पूरा काम टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए भी नए भवन बनवाए जाएंगे। वंदे भारत मिशन, दोस्तों वंदे भारत की पहली ट्रेन साल 2019 में नई दिल्ली से बनारस चलाई गई थी और दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से वैष्णो देवी मंदिर के लिए चलाई गई थी। और दोनों ट्रेन की अगर बात करें तो दोनों ही ट्रेन पूरी तरह से सफल रही। और अब सरकार ने करीब 500 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है और इसकी मदद से पुरानी रेलवे ट्रेन जैसे राजधानी और शताब्दी से वंदे भारत ट्रेन को रिप्लेस किया जाएगा, जिसकी मदद से रेलवे में नए रेवेन्यू देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्ट हिमांग, दोस्तों इस प्रोजेक्ट को आप आज तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, वो भी भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 1985 में शुरू किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे पहली मोटर रोड है जो कि ग्लेशियरों में बनाई जा रही है। ये सड़क पूर्वी लद्दाख में सासोमा से सासियर तक बनवाई जा रही है और इस जगह की ऊंचाई 17,800 फीट है। ऐसी बर्फीली जगहों में ठंड के अलावा हिमस्खलन यानी एवलांच का खतरा हमेशा बना रहता है। मौसम की वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरा पाना काफी मुश्किल रहा, लेकिन भारत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसके पूरे होने की संभावना 2023 तक की जा रही है। तो दोस्तों हमें बताइएगा आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन लगा और कौन से प्रोजेक्ट के पूरे होने से आप, हाँ अली भाई आपको कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा लगा? इससे मुझे जो ये 1999 वाला जो पीएम ने वो गजब का था। मुझे पूरे टॉप 10 ही अच्छे लगे जो 2023 में ये अभी होगा। अच्छा बड़े नहीं तरक्की में हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट भाई, बहुत आगे हैं आपसे। मुंबई वाला हम, भी बहुत अच्छा था। हम जाएंगे मुंबई से दुबई फुजेरा, बुलाओगे हमें? मेट्रो ट्रेन वाला बहुत हाँ, बहुत अच्छा था, उसी में जाएंगे ना। अच्छा आप और हम, मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया भाई। इंडिया जरूर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जो इंडिया से ना खास तौर वो उनके लिए ये वीडियो है, तो हमें कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना। ओके बाय।